फ्रेंड्स मे हैव अटेंशन प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑब्लिप्रेप्स ऑब्लिप्रेप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव कुमार, आज का आपका जो विषय है वो पैसिव वॉइस बनाना है और आज है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इससे पहले के जो एक्टिव पैसिव है वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट कि एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, बहुत साधारण तरीका और बहुत सरल तरीका जिससे आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो सकती। ठीक है, और आप के जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों को पैसिव वॉइस बनाने के नियम। योग्य स्टूडेंट्स, रूल नंबर वन जो होता है अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए होता है, वो है आपका ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वी एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देखते हैं हम उदाहरण। पहला वाक्य आपका मोहन विल प्ले क्रिकेट, मोहन विल प्ले क्रिकेट। अब हमें देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कि हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम हमें ऑब्जेक्ट देखना है, मोहन कर्ता हो गया है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है, ऑब्जेक्ट को हम इधर सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। ठीक है, क्रिकेट, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल बी क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, वाई मोहन। ये हो गया, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट को हम ले क्रिकेट विल बी प्लेड वाई मोहन, मोहन के द्वारा क्रिकेट खेली जाएगी। ठीक है, अब यह कह रहा है कि मोहन क्रिकेट खेलेगा और यहां मोहन के द्वारा क्रिकेट खेली जाएगी। अब देखिए, यहां देखते हैं आप सेल और विल, तो आप समझते हैं कि सेल और विल का प्रयोग क्या होता है, आई और वी दो कर्ता ऐसे होते हैं जिनके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अन्य जितने भी कर्ता हैं सब्जेक्ट, उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक कंडीशन भी होती है, यदि वाक्य में धमकी, आदेश, बाध्यता या दृढ़ता पाई जाती है तो हम आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। यह कंडीशन होती है, यदि क्या है, यदि वाक्य में आदेश, धमकी, बाध्यता या दृढ़ता पाई जाती है तो। ठीक है, तो यहां बहुत आसान सा तरीका है, आपकी परीक्षा में आता है, एक एक्टिव पैसिव वाक्य दिया होगा, उसके आगे लिख दिया होगा पैसिव वॉइस बनाना है आपको, है ना, पैसिव वॉइस बनाना है। आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो ये आपका पैसिव बन गया। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है, ये इसको पैसिव वॉइस बनाना है और ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ये एक्टिव है ना और ये पैसिव वॉइस। दूसरा देखेंगे रूल नंबर टू, ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये आपका जो रूल नंबर टू है ये नेगेटिव वाक्यों के लिए होता है। देखते हैं इसका उदाहरण, छोटा सा वाक्य है, ये कह रहा है कि ही विल नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा, तो क्या होता है। अब इसमें हम सर्वप्रथम हमें ऑब्जेक्ट के नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, जब हमें ऑब्जेक्ट की नीड है तो ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कर्ता, हेल्पिंग वर्ब और आपका ये एडवर्ब है नॉट, टीच मैन वर्ब है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी। ठीक है, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, तो हम जब ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, आई, मी का सब्जेक्ट आई होता है, ठीक है। अब आई के साथ हमने जैसा भी बताया था कि आई और वी के साथ तो हम सेल का यूज करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं, तो यहां आई के साथ हम अब सेल का प्रयोग करेंगे। आई सेल नॉट बी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया सेल या बिल में से सेल हो गया, नॉट हो गया, बी हो गया। अब एमबी की थर्ड फॉर्म है तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। अब बाई और वाई के बाद सब्जेक्ट है तो इधर ही को जब हम लाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो क्या हिम हो जाएगा ना, ये आपका वाक्य बन गया। जरा देर लगी नहीं लगी, तो इसी तरीके से परीक्षा में भी अगर आपके माता है कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे एक्टिव वाक्य को, ठीक है। परीक्षा में इसी प्रकार आता है, एक्टिव वॉइस होता है उसके सामने लिखा होता है पैसिव वॉइस, मतलब उसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, या अगर पैसिव वॉइस लिखा होगा उसके सामने लिखा होगा एक्टिव वॉइस तो आपको एक्टिव वॉइस में उसको परिवर्तित करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 3, क्वेश्चन वर्ड ऑब्लिक सेल एविल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आप को प्रश्नवाचक वाक्य आता है बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो आपको ये नियम उसके लिए है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड सेल या बिल, लेकिन इसमें एक और बात होती है कि अगर कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से बनता है तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता, अगर प्रश्नवाचक होता है तो प्रश्नवाचक से उसको आरंभ करते हैं। उदाहरण देखेंगे, वाक्य है विल यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी सहायता करोगे, ठीक है। अब इसको हमें आपको आदेशित किया गया है कि इसको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, तो हम देखते हैं इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट की हमें आवश्यकता है, अब इसके लिए आप पर्सनल प्रोनाउन का अधिकतर प्रयोग करेंगे, आता है, और पर्सनल प्रोनाउन आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो हमारे पीछे वीडियो देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आपको पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और जो भी प्रोनाउंस है आपको बताए गए हैं। अब ये जो हिम होता है ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसको जब हम इधर सब्जेक्ट स्थान पर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब जो पहले है इसी को हम सर्वप्रथम लिखेंगे, हम लिखेंगे विल, अब इधर ले आएंगे ही, इसके बाद बी, विल ही वी हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय यू, ठीक है, ये बन गया आपका। अब देखते हैं अगर इसी में आ जाता है आपका क्वेश्चन वर्ड, अगर बाकी के बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले रखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ये बाकी कह रहा है आपका व्हाई विल यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाओगे, तुम वहां क्यों जाओगे। अब इस वाक्य का हम इंस्पेक्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड, है ना, या हम यहां इसको ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को क्या होता है वाक्य में, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस उद्देश्य के साथ क्रिया की जाती है, जिस उद्देश्य के लिए क्रिया की जाती है, ठीक है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब व्हाई विल यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाओगे ना, तो इसको दो तरीके से इट से भी बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे इट, सॉरी व्हाई, व्हाई विल इट बी गॉन
वाई यू, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ अब जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई विल इट बी गॉन बाई यू, सॉरी देयर, क्यों नहीं जाया जाएगा तुम्हारे द्वारा वहां, यानी वहां तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं जाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है रूल नंबर फोर, हो जाता है क्वेश्चन वर्ड ऑब्लिक सेल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको देख, उदाहरण देखते हैं इसका, ये हो गया आपका वाक्य। बाकी कह रहा है कि व्हाई विल दे नॉट प्ले दिस गेम, वे इस खेल को क्यों नहीं खेलेंगे, वे यह खेल क्यों नहीं खेलेंगे। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दिस गेम। ठीक है, तो दिस गेम इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, सर्वप्रथम लिखेंगे व्हाई विल आएगा यहां, व्हाई विल दिस गेम, Why will this game not, not के बाद be, इसके बाद MB की थर्ड फॉर्म played by them। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया, बहुत आसान सा तरीका है किसी को भी पैसिव वॉइस बनाने का। अच्छा, अब इसके बाद हम आपको बताएं कि जो 12 टेंस होते हैं उनमें से प्रेजेंट के चार भाग, पास्ट के चार भाग और फ्यूचर के चार भाग होते हैं ना, फोर पार्ट्स। तो अब इनमें क्या करना है आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाना है और फ्यूचर परफेक्ट का बनाना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, वो इसलिए नहीं बनते हैं कि इसकी साइक्रिया जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की साइक्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, सेल बी या विल बी। अब उसकी जो सहायक क्रिया है उसका यहां प्रयोग कर लिया गया है। ठीक है, विल विल बी और सेल बी इधर इसमें प्रयोग हो जाता है, तो इसलिए उसका प्रयोग नहीं, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के कैसे, किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। इसकी स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, सेल हैव और विल हैव। अब इसकी सहायक क्रिया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेल हैव बीन और विल हैव बीन होती है, तो जो नहीं बनते हैं उनका कारण यही है कि उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसी दूसरे टेंस में प्रयोग कर ली जाती है। ठीक है, तो यहां जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यहां प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, रूल नंबर वन देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बीन। ठीक है, ये साइक्री होती है सेल हैव बीन या विल हैव बीन। इसके बाद एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, बाकी है आपका रमेश एंड सुरेश विल हैव ईटन द फूड, यानी रमेश और सुरेश खाना खा चुके होंगे। ठीक है, अब हमें इसमें भी ऑब्जेक्ट का ही, ऑब्जेक्ट की तलाश है, तो ऑब्जेक्ट है आपका द फूड, तो हम इसको द फूड विल हैव बीन, उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, वाई के रमेश एंड
सुरेश, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, खाना खाया जा चुका होगा बाय रमेश एंड सुरेश, यानी रमेश और सुरेश के द्वारा। तो कह सकते हैं कि रमेश और सुरेश के द्वारा खाना खाया जा चुका होगा। ठीक है, रूल नंबर टू देखते हैं इसका, ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया आपका नियम, रूल नंबर टू, ऑब्जेक्ट सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस वाई सब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे, द वर्ड्स विल नॉट हैव, विल नॉट हैव caught in the net, ये हो गया आपका, ये कह रहा है the birds will not have caught, पक्षी नहीं फंस चुके होंगे in the net, जाल में। ठीक है, अब देखिए इसका विशेष ध्यान रखना है, हम पीछे आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि यदि प्रीपोजिशन आता है ऑब्जेक्ट के साथ में तो उस प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट के साथ में न रख करके हम एमबी की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके बाद उसको रखते हैं। ठीक है, देखेंगे यहां, तो यहां ऑब्जेक्ट जो है वो द नेट है, तो हम लिखेंगे द नेट विल नॉट have been, the net will not have been caught in, इस preposition को हमें यहां एम बी थर्ड फॉर्म के बाद में रखते हैं। ठीक है, तो आपको हो गया द नेट विल नॉट हैव बीन कॉट इन, वाई वाई द वर्ड्स। ठीक है, ये हो गया, ये बाकी कह रहा है कि पक्षियों के द्वारा, ये बाकी कह रहा है कि पक्षियों के द्वारा जाल में नहीं फंसा जा चुका होगा, है ना, पक्षियों के द्वारा जाल में नहीं फंसा जा चुका होगा। ठीक है, ये हो गया आपका, इसके बाद देखते हैं हम रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री होता है क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया, क्वेश्चन वर्ड सेल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस वाई सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर थ्री, इसके बाद हम देखते हैं इसका उदाहरण, ये वाक्य कह रहा है आपका कि वाई विल द सिंगर हैव संग अ सॉन्ग, गायक एक गाना क्यों नहीं, क्यों गा चुका होगा, गायक एक गाना क्यों गा चुका होगा। ठीक है, तो अब इसको यहां जो ऑब्जेक्ट है आपका वो अ सॉन्ग है, तो हम यहां लिखेंगे वाई, ये हो गया, नियम के अनुसार सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सेल या बिल में से विल आ गया, ऑब्जेक्ट आपका ये सॉन्ग हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन हो गया, क्रिया की थर्ड फॉर्म संग, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, अदर वर्ड इसमें नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर फोर, क्वेश्चन वर्ड ऑब्लिक प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका, इसका उदाहरण देखते हैं, विल, ठीक है, ये हो गया, विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब हम फिर यहां ऑब्जेक्ट के साथ में फिर आ गया प्रीपोजिशन, अब हम क्या करेंगे, यहां स्कूल को इधर ले आएंगे और लिखेंगे विल स्कूल। ठीक है, अब ये ऑब हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, अब क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट, उसके बाद हैव बीन। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए कि एक्टिव से पैसिव बनाना कितना आसान है, और अब ये आपके जो टेंस थे
ये आपके हो चुके हैं कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आदेशात्मक वाक्यों को किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और उनका बहुत ही आसान तरीका जिसमें आपको समझते देर नहीं लगेगी, ज्यादा रिवाइज नहीं करना है, बस ध्यान से पढ़ना है और परीक्षा के लिए तैयार हो जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे वीडियोस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, यहां आपको वीडियोस, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, प्रत्येक चीज उपलब्ध होगी जो आपके परीक्षा को आसान बना देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम फिर इसी वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।